एक वोट बैंक समझ के रखा, लेकिन उसकी जिंदगी में बदलाव आया। उसके लिए न कांग्रेस पार्टी ने काम की, न झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इसलिए आप सभी शिकारी पाड़ा के कार्यकर्ता, काफी जागरूक कार्यकर्ता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से आप सटे हुए, और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जो अत्याचार कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं, इसके समझ लीजिए जमीन उसका भी घसक। अब जय श्री राम बोलने वाले को जेल भेजा जा रहा है, ये स्थिति है। अब जय श्री राम हम अगर हिंदुस्तान में नहीं बोले तो क्या पाकिस्तान में बोले? अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाना चाहती, यहाँ जय श्री राम नहीं चलो। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि जय श्री राम का ही सरकार अगला बार पश्चिम बंगाल में होगा। ये जनादेश जो 18 इतनी हिंसा के बाद 24 जब हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद, उस कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को नमन करना चाहिए। इतनी विषम परिस्थिति के बाद भी, जाने जाने के बाद भी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, उसे हमको और आपको सीख लेनी चाहिए। यहाँ तो परिस्थिति नहीं है,